तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपी बोर्ड हिंदी 2022 में। बच्चों हम यहाँ पर देखिए नवा गद्यांश, कुसंग का जड़ सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। शुक्ल जी कहते हैं कि मानव जीवन पर संगति का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। मानव जीवन पर संगति का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। बुरे और दुष्ट लोगों की संगति घातक बुखार की तरह हानिकारक होती है। जब कोई बुरी संगति पकड़ लेता है तो वह बुरा ही बन जाता है, इसलिए वह घातक और बुखार की तरह होती है। जिस प्रकार भयानक ज्वर व्यक्ति की संपूर्ण शक्ति व स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी रोगी के प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति में पड़े हुए व्यक्ति की भी बुद्धि, विवेक, सदाचार, नैतिकता व सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं तथा वह उचित अनुचित व अच्छे बुरे का विवेक भी खो देता है। मानव जीवन में युवावस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है। युवावस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। कुसंगति किसी भी युवा पुरुष की सारी उन्नति व प्रगति को उसी तरह बाधित करती है जिस प्रकार किसी व्यक्ति के पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर, यानी कि देखिए किसी कुसंग व्यक्ति की का साथ उसी प्रकार होता है जिस प्रकार पैरों में भारी पत्थर बांध दिया जाए उसको ढोना, उसी तरह से एक बुरा व्यक्ति का संग होता है। उसी प्रकार कुसंगति भी हमारे विकास व उन्नति के मार्ग को अवरुद्ध करके अवनति व पतन की ओर ढकेल देती है, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाई जाएगी। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि यदि युवा व्यक्ति की संगति अच्छी होगी तो वह उसको सहारा देने वाली बाहु हाथ के समान होगी जो अवनति के गर्त में गिरने वाले व्यक्ति की भुजा पकड़कर उठा देती है तथा सहारा देकर खड़ा कर देती है और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर कर देती है। और यदि बुरी संगति हुई, उसी प्रकार बुरी संगति भी है, कुसंगति भी हमारे विकास व उन्नति के मार्ग में अवरुद्ध करके अवनति व पतन की ओर ढकेल देती है तथा दिन प्रतिदिन विनाश की ओर हम अग्रसर होते रहते हैं। तो इसलिए हमें ऐसी मित्रता नहीं करनी चाहिए कि हमारे ऊपर वह कुसंग का ज्वर चढ़ जाए, ऐसी मित्रता हमें नहीं करनी चाहिए। हमारा दसवां गद्यांश है, आइए स्टार्ट करते हैं दसवां गद्यांश। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते हैं पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी घर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है क्योंकि उतने ही समय में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए। अब आइए इतने का अर्थ पहले समझ लेते हैं कि लेखक इसमें क्या कहना चाहता है। लेखक कहते हैं कि मानव मन पर बुरी बातों का प्रभाव बहुत ही जल्दी पड़ता है, यानी बुरी बातों का प्रभाव बहुत जल्दी असर करता है। तो बुरी संगति सदैव व्यक्ति की उन्नति में बाधक होती है। समाज में अनेक ऐसे लोग होते हैं जिनका कुछ देर का साथ भी व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्षण भर के लिए आते हैं, साथ बैठते हैं, लेकिन उतने में ही बुद्धि को खराब कर देते हैं क्योंकि अच्छी बातों की उपेक्षा बुरी बातों का प्रभाव जल्दी पड़ता है और अधिक देर तक रहता है। कुछ लोग थोड़ी ही देर में ऐसी ऐसी घिनौनी बातें कह देते हैं जो सामान्य व्यक्ति के कहने या सुनने योग्य नहीं होती हैं। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान में चढ़ते हैं उतनी जल्दी गंभीर और अच्छी बात नहीं चढ़ती है। इस बात को सभी लोग जानते हैं। जो सामान्य व्यक्ति के कहने या इसका कहने का अर्थ है लेखक इसमें क्या कहना चाहता है, जो सामान्य व्यक्ति के कहने या सुनने योग्य नहीं होती हैं उनकी बातें सामान्य व्यक्ति की बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देती हैं और मन की पवित्रता को भी नष्ट कर देती हैं तथा हमारे मन में बुरे विचार पनपने लगते हैं। यह मानव मन का स्वभाव है।
यह मानव मन का स्वभाव है कि बुरी बातों का प्रभाव अच्छी बातों की उपेक्षा जल्दी होता है। कभी कभी तो यह प्रभाव अस्थायी रूप से मन मस्तिष्क पर छा जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उन्हीं को अच्छा मान बैठते हैं जो हमें बुरे रास्ते पर ले जाते हैं, तो वह हमारे दिमाग पर अस्थायी रूप से छा जाता है और बहुत दिनों तक वही बातें कानों में गूंजती रहती हैं। बुरी संगति के शीघ्र होने वाले प्रभाव को बताते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि भद्दे व अश्लील गीत जितनी जल्दी, इसमें लेखक ने उदाहरण दिया है आपको समझाने के लिए, बताया है कि भद्दे यानी गंदे गाने, फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान में चढ़ जाते हैं, याद आ जाते हैं, उतनी जल्दी मन पर चढ़ जाते हैं, उतनी जल्दी कोई लाभदायक या गंभीर बात की याद नहीं होती है। अतः अपने चरित्र व व्यक्तित्व को निखारने के लिए हमें सदैव अच्छी संगति ही करनी चाहिए और दुर्गुणों से सदैव बचना चाहिए। देखिए बच्चों, आप लोग भी उसी टाइम पर हैं जिस समय लोग दोस्ती करते हैं, तो आप लोग भी ऐसी दोस्ती करिए ताकि आप लोग अच्छे रास्ते पर जाएं। ऐसी दोस्ती मत कर बैठिए कि आपको बुरी रास्तों पर जाना पड़े। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, मित्रता करते समय सोच समझ कर परख कर मित्रता कीजिए ताकि आप अच्छे मार्ग पर जाएं, बुरे रास्ते पर ना जाएं। यहाँ पर देखिए, दुर्भाग्य यानी बदकिस्मत, बुरा भाग्य, बाधक, रुकावट, भ्रष्ट मार्ग से विचलित, अटल स्थिर धारणा मान्यता, फूहड़ अश्लील गंवार, फूहड़ यानी गंवार। चलिए दसवां भी पूरा हो गया, चलते हैं हमें ग्यारहवें गद्यांश की तरफ। यह हमारा ग्यारहवां गद्यांश है, यह लास्ट है सबसे। इसको पूरा करने के बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, मित्रता पाठ समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, अगर आप लोगों ने यह मित्रता पाठ का, हमने एक वीडियो बनाया था सारांश का, जिसमें हमने पाठों का सार बता दिया था आप लोगों को, अगर आप लोगों ने उसको देख लिया, फिर आप लोग एक बार इसको देख लेंगे, आप लोगों का आराम से कंप्लीट हो जाएगा। सावधान रहो, ऐसा न हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझकर समझो और सोचो कि एक बार हुआ है ऐसा फिर न होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पर रखता है। शुक्ल जी कहते हैं कि व्यक्ति को बुरे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए तथा उनकी अश्लील बातों को एक सामान्य बात समझकर अनदेखा नहीं करना चाहिए, चाहे व्यक्ति द्वारा वह बात हमें हंसाने या मजाक के लिए ही कही गई हो, परंतु हमें उस बात पर गौर करना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि इस बार तो इसने यह बात कही, आगे से नहीं कहेगा, या फिर हमारा चरित्र तो पवित्र है। हमें ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा चरित्र तो पवित्र है या स्वच्छ है, और जब हम ही ऐसी बातें नहीं करेंगे तो हम पर यह तो वह अपने आप ही सुधर जाएगा। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हमारी यह सोच गलत है, क्योंकि एक बार जब मनुष्य गलत राह पर चलने लगता है तब वह यह सोचना छोड़ देता है कि इस कार्य से उसकी कितनी बदनामी होगी, आगे चलकर उसे कितने सामाजिक मान प्रतिष्ठाओं पर, चरित्र पर कितना पतन हो सकता है, उसके चरित्र का कितना पतन हो सकता है। जब कोई बुरी संगति में जाता है तो वह यह नहीं सोचता है, उसकी सोचने समझने की जो बुद्धि होती है वह भ्रष्ट हो गई होती है। जब एक व्यक्ति ये मार्ग पर चलने लग जाता है तो उसे बुरे कार्यों में ही कोई बुराई नहीं नजर आती है, क्योंकि मनुष्य एक बार बुराई के रास्ते पर कदम जब रख देता है तो आगे बढ़ता ही जाता है, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी, पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। यहाँ पर लेखक ने क्या बताया, जब मनुष्य बुरी संगति में पड़ जाता है तो उसमें उसे कोई बुराई नज़र नहीं आती है, उसे सब सही लगता है। मनुष्य एक बार बुराई के रास्ते पर कदम रख देता है तो आगे बढ़ता ही जाता है, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे जब तुम उनकी बातों के आदि हो जाओगे और तुम्हें वह बातें गलत व बुरी नहीं लगेंगी, फिर तुम उससे चिढ़ना भी बंद कर दोगे।
ऐसा करने से तुम्हारी सोच समझ धीरे धीरे कम होती जाएगी, बुद्धिमंद होती जाएगी और तुम्हें अच्छे बुरे की नैतिक अनैतिक कार्यों की समझ न रहेगी। अंत में क्या होगा, धीरे धीरे तुम भी बुराइयों के दास बन जाओगे। अतः अपने आप को इन बुराइयों से बचाने के लिए सबसे सरल और सबसे सही उपाय यही है कि बुरी संगति का पूर्ण रूप से त्याग कर दो, तभी तुम्हारा जीवन उज्जवल हो सकता है, कलंक रहित हो सकता है। अतः हमें अपने हृदय को सहज एवं निर्मल तथा निष्कलंक रखने के लिए बुरी संगत से दूर रहना चाहिए। देखिए बच्चों, लेखक ने इसने मित्रता पाठ में खास तौर पे आप लोगों को यह पढ़ने के लिए है, लेकिन इससे आपको बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं कि हमें मित्रता कैसी करनी चाहिए। और आपने पढ़ा कि इस उम्र में हमें मित्रता की बहुत जरूरत पड़ती है, तो इसलिए बहुत ही सोच समझ कर धीरता पूर्वक मित्रता कीजिए। राम लक्ष्मण की तरह मित्रता कीजिए, राम सुग्रीव की तरह मित्रता कीजिए, कर्ण और दुर्योधन की तरह मित्रता कीजिए, ताकि अंत समय तक वह आपको काम आए, आपका साथ निभाए। ऐसी मित्रता मत कीजिए कि आप भी गड्ढे में गिर जाएं। तो सबसे पहले इस कहानी से तो आप लोग शिक्षा लीजिए कि आपको मित्रता कैसी करनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों लाइक कर दीजिए, और जो आपके 10th क्लास में बच्चे हों, आपके फ्रेंड हो, दोस्त हो, भाई बहन हो, उन्हें आप शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी सिलेबस पूरा हो सके। धन्यवाद बच्चों, बहुत जल्द हम आपका सिलेबस खत्म कर देंगे। उसके बाद आपको मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर सब तैयार कराया जाएगा, तो आप लोगों को हिंदी में 95% से ऊपर ही आप लोगों को मिल सके, लेकिन आप लोगों को भी उसके लिए मेहनत करनी होगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट।